महासमुंद में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां किसी अज्ञात शख्स ने बगबहरा जिले की अध्यक्ष सीमता चंद्रकार को परिवार समेत जान से मारने की धमकी भरा लेटर लिफाफे में बंद कर उनके निवास पर फेंका है, जिससे स्मिता चंद्राकर के परिवार वालों में दहशत का माहौल है, जिसकी लिखित शिकायत अध्यक्ष ने पुलिस थाने में की है। तो वहीं अध्यक्ष को मिले पत्र में लिखा है कि अपने पति को लघु वनोपज संघ के चुनाव से अलग कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुमको अपना पद तो गंवाना पड़ेगा, साथ ही अपने परिवार की जान भी गंवानी पड़ेगी। जिसके चलते अध्यक्ष ने पुलिस से सुरक्षा और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो महासमुंद का एक पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर जिला अध्यक्ष को धमकी भरा लेटर मिला है। वही आपको बता दें कि बागबहरा जिले की अध्यक्ष है स्मिता। तो आपको बता दें कि बागबहरा जिले की अध्यक्ष स्मिता को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि लेटर में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। अरे तू ये बता, हम लोग क्या व्यवहार में बैठे हैं? आज जब सवेरे मैं सो के उठी तो अपने गेट के पास जब ताला खोलने के लिए गई तो मैंने देखा कि एक पॉलीथीन के अंदर लिफाफा था और लिफाफे में एक गुमनाम पत्र था और उस पत्र में ये लिखा गया था कि अभी लघु वन उपज चुनाव, जिसमें मेरे पति हितेश चंद्राकर जी द्वारा पैनल खड़ा किया गया था, जिसमें हमारे पास प्रतिनिधि भी हैं और हम बहुमत में भी हैं, तो उस लेटर में ये लिखा गया था कि आप अपने पति हितेश चंद्राकर जी को इस चुनाव से अलग कर दीजिए, अन्यथा आपको आपके पति को जान गंवाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके जो पद, आप जनपद अध्यक्ष के जो पद में है, उस पद को भी गंवाना पड़ेगा। आज बागबहरा जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्मिता हितेश चंद्राकर के द्वारा एक शिकायत थाने में दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आज सुबह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी भरा पत्र उनके घर में छोड़ा गया है, जिनमें उनके पति को हानि पहुंचाने के संबंध में लेख किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जान का खतरा होने का उल्लेख उन्होंने किया है।